वेलकम टू माई चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, मैं इस रीडिंग में देख रही हूँ क्या हैं आपके पर्सन के लेट नाइट इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। क्या ये पर्सन देर रात आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर इनके माध्यम से याद करा जा रहा है, इन सभी चीज़ों को मैं इस रीडिंग में देखूंगी। व्यूअर्स, उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है, तो जरूर से करिएगा, ताकि आपको आपके पर्सन के रिगार्ड इसी तरह से नई नई जानकारी मिलती रहे। व्यूअर्स, आपको क्या करना है, देखिए रीडिंग के दौरान अपना फोकस जितना हो सके अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखिएगा, और जब मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, शफल कर रही हूँ, तो उनका नाम 3 से लेकर 5 बार आप अपने मन में ले लीजिएगा, क्योंकि जो भी टैरोस पढ़े जाते हैं वो नाम के बेसिस पर पढ़े जाते हैं, तो आपको अपने पर्सन और अपना नाम मन ही मन में उस वक्त पे ले लेना होगा, ठीक है व्यूअर्स। उसके अलग भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स रहते हैं तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कराइएगा, बजाय आलतू फालतू के कमेंट्स करने के बजाय आप पर्सनल रीडिंग बुक कराइएगा। अगर आप अपनी प्राइवेसी चाहते हैं, अपने पर्सन और अपने बारे में आप जानना चाहते हैं, तो पर्सनल सेशन में आप जा सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप मेरे से ही लें, किसी से भी आप ले सकते हैं। और अगर मुझसे आपको लेनी है तो आपको मेरा नंबर वीडियो से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और उसके अलग व्यूअर्स, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज ड्रॉप करने हैं, कॉल अलाउड नहीं है, कॉल पे मैं कोई जानकारी नहीं दूंगी आपको, व्हाट्सएप पर आप मैसेज ड्रॉप करेंगे, मैं आपको वहां पे मैसेज का रिप्लाई करूंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, फ्री रीडिंग नहीं है, जिन लोगों को लग रहा है कि फ्री में है, मैं आपको पहले बता दूंगी एनर्जी एक्सचेंज के चार्जेस हैं यहाँ पे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर, व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या बनी हुई है, स्पिरिट गाइड प्लीज डिवाइन, स्टॉर्म, कैसल, फ्लावर, स्टार्स एंड बॉटम इज टावर। ओके, बड़ी उथल पुथल हुई पड़ी है यहाँ पे, तो भाई गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर, व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज बताइए, स्पिरिट गाइड प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए, स्पिरिट गाइड, ट्रांसफॉर्मेशंस, पार्टिसिपेशन, गाइडेंस, एक्सपीरियंसिंग एंड गिल्ट। तो सबसे पहले मैं आपको राशियां बता देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स, यानी कि आपका फायर एलिमेंट एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये आपका अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ये आपका एयर एलिमेंट जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो ये मुझे राशियां आपकी काफ़ी ज़्यादा खास बनते हुए दिखी हैं। नंबर्स जो स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट हैं वो हैं आपके 44, 30, 17, 5, 3, 4, 8 एंड 13। एंड मंथ अगर मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ पे आपके हो गए मार्च, अगस्त, मई, अप्रैल। मार्च मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए दिखाई दिया, किसी भी तरह से आपसे रिलेट कर सकता है। एंड उसके अलग अप्रैल आपके लिए काफ़ी खास बनता हुआ दिख रहा है। देखिएगा व्यूअर्स, अगर इनके स्टेट ऑफ माइंड को पढ़ा जाए या इनको जानने की कोशिश करी जाए ना, तो जितना ये पर्सन बाहर से दिखा रहे हैं कि नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, एकदम न्यूट्रल हैं, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर इनके मन में, इनके दिल में यहाँ पर तूफान चल रहा है। वो तूफान जैसे मान लो थमने का, रुकने का यहाँ पर नाम ही नहीं ले रहा, और ऐसी एनर्जी है जैसे जितना ज़्यादा ये पर्सन इस तूफान को अपने अंदर जो चल रहा है उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा वो तूफान जो है वो उफान भरता जा रहा है, या उतना ज़्यादा बड़ा वो तूफान बनता जा रहा है। कुछ ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन है। अपने आप से ही ये पर्सन ईमानदार नहीं बने हुए हैं, यानी कि जो दिल में है, जो फीलिंग्स हैं, जो जज्बात हैं, ये पर्सन उन्हीं को झुटलाते हुए दिख रहे हैं।
जैसे मानो कि अगर इनके दिल में कुछ दर्द है, तकलीफ है, तो ये उस दर्द को, तकलीफ को बजाय एक्सप्रेस करने के, बाहर लेकर आने के, उसे ही अपने आप से झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि पर्सन लड़ने के मूड में ज़्यादा रहते हैं या लड़ ज़्यादा रहे हैं, बेवजह की, बेमतलब की लड़ रहे हैं, बजाय इस रिश्ते में अपनी साइड से चीज़ों को हील करने के, पार्टिसिपेट करने के। यहाँ पर इन्हें यही गाइड करा जा रहा है, यही सलाह मशवरा दी जा रही है कि ये लड़ें, ठीक है, आपसे लड़ें या फिर अपने आप से झूठ बोलें। जो भी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशंस आया है वो अल्टीमेटली इनकी ज़िंदगी में शांति सुकून तो नहीं लेकर आया, वो बल्कि डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है और तूफान में, टावर मोमेंट में और ज़्यादा कन्वर्ट होता जा रहा है, जिसे हम क्लैरिफाई करेंगे आखिर ये किस तरह का तूफान है जो इस इंसान को बहुत ज़्यादा बेचैन करे पड़ा है। ज़िंदगी में ये तो एक्सपीरियंस इन्होंने ले लिया है कि कहीं ना कहीं आप इनकी ज़िंदगी में क्या थे या आप इनकी वो विश थे जो इनके बिना मांगे इन्हें मिल गई, पूरी हो गई, या आपके आने के बाद इनकी हर वो चाहत, हर वो ख्वाहिश पूरी हुई जो जिसकी उम्मीद, जिसकी चाह ये हमेशा करते थे, वो आपके आने से पूरी हुई और आपके जाने से इनसे दूर भी हो गई है। तो वो एक्सपीरियंस तो इन्होंने ले लिया है, लेकिन अल्टीमेटली इस तूफान को इन्होंने अपनी तरफ खुद से अट्रैक्ट करा है, तो अब उसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा, उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी, और उन्हीं चीज़ों को लेकर ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप से, अपने आप को झुटलाते हुए या अपने आप से एकदम अपनी ईमानदारी ना निभाते हुए ये दिख रहे हैं। गिल्ट है मन में इनके, जो भी इन्होंने करा, जो भी कर रहे हैं, जो भी करते आए हैं, उन सभी चीज़ों का गिल्ट इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा बेचैन करे पड़ा है, यानी कि वो रिलैक्स नहीं कर रहा। लेकिन स्टिल जब झूठे इंसान बने पड़े हैं तो ऑब्वियसली उस गिल्ट को तो कैसे ये मानेंगे या उसे तो कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि भाई बहुत झूठ आपके पार्टनर पहले भी बोल रहे थे और अब भी कहीं ना कहीं अब तो उससे भी ज़्यादा ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, अपने आप से स्पेशली। जिस भी तरह से इस रिश्ते की एंडिंग हुई, जिस भी तरह से, जिन भी हालातों में ये रिश्ता आप दोनों के दरमियान का ख़त्म हुआ है ना, वो अल्टीमेटली इनकी ज़िंदगी में भी बहुत भारी भरकम तूफान लेकर आया है, ऐसी फीलिंग्स यहाँ पर है। व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी हुई हैं। प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं। सिक्स ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है, सेवन ऑफ वैंड्स, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स। बहुत सारे कार्ड्स हैं, हमें वन कार्ड लेना है एंड बॉटम, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस व्यूअर्स को लेकर क्या बने हुए हैं। स्प्रेड गाइड, प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। फोर ऑफ वैंड्स फिर से आया है एंड टेन ऑफ कप्स, गाइड कीजिए, बताइए स्प्रेड गाइड व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस व्यूअर्स को लेकर क्या बने हुए हैं। स्प्रेड गाइड, प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस व्यूअर्स को लेकर क्या बने हुए हैं। द वर्ल्ड, टेन ऑफ वैंड्स, गाइड कीजिए, बताइए स्प्रेड गाइड व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस क्या हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखिएगा व्यूअर्स यहाँ पे वाटर एलिमेंट कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि भी आ गया है, तो राशियाँ तो ओवरऑल सभी यहाँ पर आ गई हैं। देखिएगा इनके अंदर जो ये तूफान चल रहा है उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर है आपकी यादें, आपसे जुड़ी हुई वो यादें इस इंसान के दिल में, मन में तूफान छोड़ रही हैं या इनकी ज़िंदगी में आने वाले चेंजेस को इन्हें स्वीकार करने नहीं दे रही हैं, वो मैं एनर्जीज इस पल की देख पा रही हूँ, जिससे ये पर्सन अपने आप को डिफेंड करने की, बचाने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, यानी कि आपकी यादों से अपने आप को जितना ज़्यादा ये पर्सन दूर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपकी यादें इन्हें आ रही हैं। आपका भोलापन, आपका डिवोशन, आपका प्यार, आपने
जो भी इस रिश्ते में अपना वक्त दिया, वो पास्ट पास्ट से जुड़ी हुई यादें, तो वो सभी चीजें इस इंसान को यहाँ पर इस कदर याद आ रही हैं कि उससे अपने आप को जितनी कोशिश कर रहे हैं बचाने की, उतनी ज्यादा वो यादें इन्हें हर्ट कर रही हैं, उतना ज्यादा यहाँ पर इनके माध्यम से लड़ा तो जा रहा है लेकिन स्टिल ये लड़ नहीं पा रहे हैं, और इसी रीजन की वजह से यहाँ पर ये तूफान अपने अंदर बढ़ते हुए फील कर रहे हैं इस वक्त में भी। मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं कि ये पर्सन अपने आप को डिफेंड भी उन यादों से इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने ब्लेम्स आप पर बहुत सारे लगाए, इन्होंने बहुत सारे ऐसे आरोप आप के ऊपर लगाए या कुछ ऐसे तथ्यों को लेकर, ऐसी बातों को लेकर ये पर्सन आपके खिलाफ लड़े, जो ये जानते हैं, इनका दिल, इनका जमीर जानता है कि वो सही तथ्य नहीं थे। और इसी रीजन की वजह से जब इस इंसान को आपकी याद आ रही है तो ये बजाय उन यादों के पीछे भागने के या उन यादों की वजह से आपकी तरफ बढ़ने के, ये उन यादों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर डेफिनेटली जो इन्हें इस रिश्ते में पार्टिसिपेट करना था, जो भी आपका रिश्ता था, चाहे आप कमिटमेंट चाहते थे, कमिटेड थे, मैरिड थे, मैरिज करना चाहते थे, जो भी इस रिश्ते में इनका रोल था वो रोल इन्होंने सही तरीके से नहीं निभाया, बजाय इस रोल को निभाने के इन्होंने इस रिलेशनशिप को, इस कमिटमेंट को एक युद्ध के मैदान के तौर पर लेकर चला, और इस युद्ध के मैदान में ऑब्वियसली इस इंसान ने बहुत खून खराबा करा, आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा, और जब आपको हर्ट करा तो ऐसा नहीं है कि इन्हें हर्ट नहीं हुआ, इन्हें तकलीफ नहीं हुई, और उसी चीज को लेकर इनके थ्रू ओवर में सोचा जा रहा है कि ये अभी भी इस रिश्ते के खिलाफ, आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, उन सभी की चोटें अगर ये आपको दे रहे हैं तो उनसे अधिक चोटें इन्हें भी मिल रही हैं, और ये पर्सन उसी चीज को कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि जो रिश्ता आपसे मिल रहा था, महल जैसा रिश्ता जो था, वो रेत में कन्वर्ट होता जा रहा है, और वो रेत बनाने वाले ये है, जिस चीज का गिल्ट इन्हें हो रहा है, और उस गिल्ट से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन झूठ का सहारा ले रहे हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस इंसान को किसी महिला की तरफ से गाइड करा जा रहा है, जो भी ये कर रहे हैं आपके साथ, आज भी अभी भी फीलिंग्स, इमोशंस, रियलाइजेशंस होने के बावजूद भी इनका जो बिहेवियर आपके लिए टॉक्सिक, नेगेटिव, एकदम ऐसा है जो एकदम समझा नहीं जा रहा, एकदम उलझा जा रहा है, उसके पीछे की वजह ये महिला मुझे दिखाई दे रही है, जो आपके पर्सन को ऑर्डर दे रही है, जो आपके पर्सन को डायरेक्शंस दे रही है, जो यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। मैंने आपसे बोला ना कि कोई तो यहाँ पे इन्हें गाइड कर रहा है, जो जिस वजह से ये पर्सन ईमानदारी जो इनकी इस रिश्ते में ने निभानी थी, वो ईमानदारी निभाने के ये पर्सन अपने आप से ही पूरी तरह से बेईमान बनते जा रहे हैं, तो उनके पीछे की वजह भी ये महिला है। और मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं इन महिला को आपके पर्सन वेल्थ वाइज काफी कुछ देते आए हैं, चाहे स्ट्रेंथ वाइज दी हो या फिर इन्हें कहीं ना कहीं वो मान, वो सम्मान दिया हो, वो सपोर्ट दिया हो, जो एक्चुअली में ये डिजर्व करती नहीं है अपनी काली करतूतों के बाद। ये जो भी महिला है ना, एक तो मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि इन्हें किसी तरह की ख्वाहिश थी, या तो आपसे कुछ चाहती थी ये महिला, या आपके पार्टनर से कुछ चाहती थी लेकिन आपके पर्सन ने वो दिया नहीं है। ठीक है, और आपके पर्सन के ना देने की वजह से ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की जिंदगी को इस तरह से बर्बाद कर रही हैं, जिसकी जानकारी शायद आप में से कुछ मेरे व्यूअर्स को तो है लेकिन इन्हें नहीं हो पा रही, क्योंकि ये इसकी सलाह मशवरा में बहुत ज्यादा उलझे पड़े हैं, या इन्हें बहुत ज्यादा यहाँ पर उलझाया जा रहा है। अगर आपके पर्सन फाइनेंशियली वाइज भी इन्हें कुछ दे नहीं रहे हैं, तो बेसिकली अपना वक्त दिया जा रहा है, अपनी एनर्जी दी जा रही है, वो सपोर्ट दिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं वो आपका था, उस पर आपका हक था, तो वो चीजें दी जा रही है, और वही सब पाने के लिए इस इंसान को अपने लिए ही बेईमान बना दिया गया है। ज्योग्राफिकली लेवल पर आप दोनों के बीच में दूरियां दिख रही हैं, और ये दूरियां मुझे पास्ट से आती हुई दिख रही हैं, यानी कि पास्ट में भी आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा दूरियां रही हैं, और आप दोनों यहाँ पर फिर भी, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा था, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे के करीब आए। लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस इन्हें मिला है वो डे बाय डे इनके लिए स्ट्रेसफुल बनता जा रहा है, इन्हें बर्डन देता जा रहा है, इन्हें जिम्मेदार ठहराता जा रहा है हार्ड वर्क ना करने का, जो इन्हें इस रिश्ते में हार्ड वर्क करना था, आपके साथ के रिश्ते में एफर्ट्स डालने थे, उन सभी चीजों को लेकर जो भी इन्होंने नहीं करा, उन सभी की जिम्मेदारी जितना ज्यादा इस पर्सन के खुद के कंधों पर इन्हें लदती हुई महसूस हो रही है व्यूअर्स, उतना ज्यादा ये पर्सन
बेसिकली ना व्यूअर्स अपनी लाइफ में स्ट्रेस लेते जा रहे हैं, क्योंकि देखो भले ये इनको ये गाइड करा जा रहा है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम जिम्मेदार नहीं हो, भले ये अपने आप से कितना भी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जिस इंसान की जो गलती है वो कहीं ना कहीं हर्ट तो करेगी, वो कहीं ना कहीं जो भी डर है जिसे छुपाया जा रहा है वो कहीं तो इन्हेंस होगा, और इनका डर यहाँ पर इन्हेंस हो रहा है क्योंकि इन्हें समझ में आ रहा है आप इनकी इनर स्ट्रेंथ थे, आपके साथ ही पूरे थे या आपके साथ ही पूरा हो गए हैं, उस तरह का एहसास इन्हें हुआ, लेकिन अब वो पूरा जो एहसास था ना वो डे बाय डे यहाँ पर खत्म होता हुआ फील हो रहा है। पर्सन जो है ये आपके लिए जितना ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं या ये कह सकते हो जितना ज्यादा ये पर्सन कैलकुलेट कर रहे हैं, पास्ट के गड़े मुर्दों को खाड़ा जा रहा है, पास्ट की मेमोरीज में जितना ज्यादा स्टक हुआ जा रहा है उतना ज्यादा इस इंसान के हिस्से वो गिल्ट आ रहा है, और वो गिल्ट इस इंसान को भावुक कर रहा है, इमोशनली लेवल पर इन्हें इम्बैलेंस कर रहा है। और एज एन यहाँ पर देखो इस इंसान ने अपनी खामियों को छुपाया, अपने गिल्ट को कहीं ना कहीं इन्होंने हाइड करे रखा, लेकिन जब ये कैलकुलेट करते हैं कि इस सिचुएशन में इन्होंने क्या पाया क्या खोया, तो अल्टीमेटली इन्हें आपकी यादों की तरफ पहुंचाया जाता है या आपकी यादें इनकी तरफ लौट कर आती हैं जो इन्हें भावुक करती हैं, इन्हें उसी एनर्जी में उसी इमोशंस में लेकर जाती हैं जिस एनर्जी जिस इमोशंस वाले इंसान से आपको मोहब्बत हुई, आपको प्यार हुआ, ठीक है। और वहां पर वो इंसान गिल्टी फील करता है कि इन्होंने किस तरह से आपको अपने आप को बर्बाद कर दिया, अपने सपनों के महल को रेत बनाकर रख दिया, तो उस गिल्ट में इन्हें लेकर जाती है। लेकिन अगेन कहूंगी कि ये महिला ना इन्हें कहीं ना कहीं बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, भटका रही हैं, इन्हें अपने आप से झूठ बोलने के लिए इन्हें बोल रही हैं, इसी रीजन की वजह से इनका जो एक्शन है ना वो आप तक नहीं पहुंच पाता, वो वहीं पर खिचड़ी बनकर वहीं पर स्टक होकर रह जा रहा है, तो वो मैं एनर्जी इस पर्सन की देख पाई हूँ। चलिए ये देखते हैं आपसे कहने की क्या इच्छा इनकी उठ रही है इस एनर्जी स्टेट ऑफ माइंड के साथ, गाइड कीजिए बताइए डिवाइन। I have undefined passion for you. You are my sunshine. तो देखिएगा आपके लिए आपकी यादें जितनी इन्हें आ रही है ना उतना ज्यादा इनका पैशन आपके लिए इन्हेंस होता जा रहा है, समझ में आ रहा है कि आपके साथ जिंदगी में रोशनी थी खुशियां थी लेकिन आपके बाद तो जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा, तो वही कहना चाह रहे हैं आपसे। I don't comfortable without you. तो कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल भी comfortable feel नहीं हो रहा, क्योंकि जब ये आपके बिना बैठते हैं आपको सोचते हैं तो वो guilt इन्हें घेर लेता है। I am not happy that it is over. अब जो भी चीज़ें खत्म हो गई हैं उन चीज़ों से ये समझ पा रहे हैं कि इन्हें कोई खुशी नहीं मिली या इन्हें ये खुश अपने आप को नहीं रख पाएंगे। I regret messing up. कहना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा regret feel होता है अब इन्हें जो भी इन्होंने messed up करी हैं चीज़ें। And I wanted to trust you. हो सकता है एक वक्त पे इन महिला की बातों में आकर भरोसा तक इस इंसान ने आप पर नहीं करा या भरोसा करना भी इन्होंने उचित नहीं समझा, अब ये कहना चाह रहे हैं कि ये आप पर भरोसा करना चाहते हैं। तो ओवरऑल देखो यहाँ पे मुझे अभी एक्शन आने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही, रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। मैं आप ही के लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए अब इस सिचुएशन में, गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज डिवाइन प्लीज आर्कएंजल्स प्लीज होली एंजल्स प्लीज स्प्रिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए। स्प्रिट गाइड प्लीज डिवाइन स्ट्रेंथ गिव लव एंड फॉलो योर ड्रीम। देखो आपसे बोला जा रहा है कि व्यूअर्स देखो कमजोर होने से तो कुछ हासिल नहीं होगा, आपको यहाँ पर मजबूत बनना पड़ेगा, और उसके लिए अगर आपको कोई प्यार देता है आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है आपकी कोई हिम्मत बनता है ना तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, बजाय इस चीज़ का इंतज़ार करने के जैसे कुछ लोगों का होता है ना सही वक्त कब आएगा, उस वक्त का इंतज़ार करते करते कहीं ऐसा ना हो कि आप कमज़ोर और ज़्यादा पड़ जाओ, आप अपने आप को और तकलीफ में ले जाओ। तो जो भी प्यार जिस भी तरफ से आपको प्यार मिल रहा है ना आपको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, उसे अपने आप से दूर नहीं करना है। और उसके अलग ये भी बोला जा रहा है कि देखो आपने जो भी सपने देखे हैं उनको जीने के लिए उनको पूरा करने के लिए आपको यहाँ पे अल्टीमेटली अपने सपनों के
पीछे भागना होगा, अपने सपनों को पूरा करना होगा, ताकि जो कॉन्फिडेंस आपका खत्म हो गया है, आप वो कॉन्फिडेंस जो है वो फिर से रिगेन कर पाओ, फिर से आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाओ। वो तभी होगा जब आपको अपने और सपने पूरे होते हुए दिखेंगे। तो ये आपसे आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो काफी अच्छी रीडिंग आई है। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को। अगर आपको मैं थोड़ी भी जानकारी दे पाई, आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आप अभी तक लाइक नहीं कर पाए, तो अब जल्दी से व्यूअर्स लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके बाय।